press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. निरंकार चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आज विशाल सफाई अभियान के तहत सरकारी अस्पतालों को स्वच्छ बनाया गया। इस दौरान अलवर सहित देश के 250 शहरों में 564 अस्पतालों की सफाई की गई। अलवर में सुबह शहर विधायक बनवरलाल सिंगल और सभापति अशोक खन्ना की मौजूदगी में अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दीवान चंद सेतिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिला संयोजक सोमनाथ की अगुवाई में गुरु वंदना के साथ अभियान की शुरुआत की गई। क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अमृत खत्री ने बताया कि सामान्य चिकित्सालय, महिला और शिशु चिकित्सालय और टीबी अस्पताल सहित आसपास के क्षेत्र में निरंकारी सेवादारों ने सफाई की है। आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, जो संत निरंकारी मिशन का सामाजिक सेवा का क्षेत्र है, इसके तहत आज पूरे भारत में ये सफाई अभियान जो पूज्य मोदी जी ने ये शुरू किया है, उसी के तहत आज ये सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रोग्राम के अनुसार 250 शहरों में 564 सरकारी हॉस्पिटलों की सफाई की जा रही है। तो ये सेवा दल के बहन भाई तथा चैरिटेबल फाउंडेशन के स्वयं सेवक और हमारी संगत के भगत बहन भाई बच्चे इसके अंदर आज सफाई अभियान कर रहे हैं। 250 शहरों में तथा 564 सरकारी अस्पतालों की सफाई का ये महाअभियान चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज अलवर में भी राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में, महिला चिकित्सालय में, टीबी अस्पताल में तथा शिशु अस्पताल में निरंकारी सेवादारों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला संयोजक सोमनाथ जी की देखरेख में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना जी सहित शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल जी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों में दीवान चंद सेतिया जी, पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, ये सब मौजूद थे।